नमस्कार दोस्तों, डीएलएफ शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.26% के क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ आप देखें तो स्टॉक में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से आप देखें तो स्टॉक में एक रेंज भी बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल आ रहा है क्या यहाँ पर स्टॉक में और भी तेजी आने वाले, यहाँ पर गिरावट आने वाले, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नोटिस कर सकते हो डीएलएफ शेयर स्टॉक अप एक्जैक्टली यहाँ पर एक हायर है बनाकर स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक ने 945 को स्टॉक ने हाई लगाया और सपोर्ट लेवल की बात करें तो आपको नजर आ रहा है 795 का। तो उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो स्टॉक अप एक्जैक्टली यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन अगर हम आपको लेकर चलो डेली टाइम फ्रेम पर तो देख सकते हो स्टॉक बार बार यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग को रेजिस्टेंस बना के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा स्टॉक में और भी गिरावट आएगा और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 730 में। तो जब स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ेगा तो स्टॉक में तेजी का मोमेंट भी बनेगा। और ऊपर की साइड में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 890 का दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन 945 का। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।